मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र की हिमगिरी कॉलोनी में आज सुबह एक महिला की संदिग्ध मौत की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की हर एंगल से जांच करके अग्रिम कार्यवाही करने की बात कह रही है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र अधिकारी के अनुसार आज सुबह जिला अस्पताल ने थाने पर एक मेमो भेजकर सूचना दी थी कि अस्पताल में एक महिला को लाया गया था जिसकी संदिग्ध मौत हो गई है। उसकी सूचना पर पुलिस हिमगिरी कॉलोनी पहुंची और हर एंगल से जांच कर रही है। क्षेत्र अधिकारी ने मौके से बताया कि मृतका मूल रूप से बदायूं जनपद की रहने वाली थी। पिछले कुछ पूर्व ही संजीव नाम के युवक से उसकी शादी हुई थी। परिजन के अनुसार आज सुबह उसकी तबीयत खराब हो गई थी और उसे उल्टियां भी लगी थी, जिसके बाद अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। सर, ये आज एक घटना हुई है सर, क्या पूरी घटना है? ये आज सुबह 11 बजे जिला अस्पताल से एक मेमो मिला सिविल लाइन थाने पे कि एक महिला है जिसको उसके परिवार वाले लाए हैं और मृत हालत में थी, और परिवार ने सूचना दी थी कि इसको उसने शायद घर पाया, मृत हालत में उसको वापस ले गया। इस सूचना के आधार पे हम लोग यहाँ पुलिस पहुँची है और तफ्तीश की जा रही है। बाकी घरों ने बताया है कि महिला की सुबह तबीयत खराब होनी शुरू हुई और उसने पेट दर्द की शिकायत करी, उल्टी वगैरह भी रही, जिसके बाद लोग उसको लेकर थाने अस्पताल गए और वहाँ पे भी पहुँचते पहुँचते रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई है। और इसमें कोई जो इसमें पंचायतनामा होगा उसके लिए साहब आएंगे, उसके बाद ही हम ये देख पाएंगे कि क्या सभी को निशान वगैरह आएंगे इस तरीके से, और बाकी जो पोस्टमार्टम कार्रवाई है मृत्यु का एग्जैक्ट कारण क्या है वो उसके बाद उसमें जानकारी की जाएगी। और फिलहाल अभी इसमें पूछताछ की जा रही है, आगे जो भी सूचना मिलेगी आपको। सर, मृतक के परिवार की तरफ से कोई शिकायत दर्ज की गई है क्या अभी तक? मृतक जो है अलीगढ़ से ही रहने वाली, उनकी माँ जो है उनसे बात हुई है, अभी तक कोई पहचान नहीं परिवार से। जैसे ही पहुँचेंगे उसके बाद जो भी अगर वो तहरीर देते हैं या जैसा भी करते हैं उसके आधार पर कार्रवाई। सर, प्रथम दृष्टि जाँच में क्या नेचुरल डेथ पाई जा रही है या कुछ संदिग्ध मामला? क्योंकि ये जाँच का विषय और अभी क्योंकि जब इसमें पंचायतनामा हो जाएगा मजिस्ट्रेट द्वारा या पीएम हो जाएगा उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अभी ऐसा ठीक है।